पहली बार किसी को अपने ही घर में डाका डालते देख रही हूँ। शट अप, जैसे खानगी। इस सबसे जिंदगी तो नहीं गुजर सकती है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी माँ की दुआएं हैं जो आप छोड़े जा रही हैं यहीं। ये सब चीजें मेरी हैं, मेरी पहली शादी का जेवर और पैसे हैं ये। मैंने जमा किए हैं ये पैसे। अगर अशर और आंटी आपकी शादी करते तो क्या खाली हाथ आपको रुखसत कर देते? ये पैसे, जेवर, कपड़े सब कुछ आपको देकर भेजते और साथ ही साथ झोली भरकर दुआएं और बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके साथ भेजते जो आपकी आने वाली जिंदगी में खुशियां भर देती। तुम ना ये सारी नसीहतें जाके अपनी ड्रेसिंग टेबल पर सजाओ और रोजाना सुबह उठकर इनसे मेकअप किया करो ताकि थोड़ी सी और हसीन हो जाओ। शायद जानती नहीं हूं मैं अपनी माँ और अपने भाई की रजामंदी और उनकी खुशी दुआओं के साथ इस घर से रुखसत हुई थी। क्या मिल गया मुझे? क्या मिल गया? एक साल में वापस आके इसी घर में बैठ गई ना मैं, इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा फॉर्मूला काम करेगा। जाके अपनी सासू माँ को समझाओ, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है ज्यादा। प्लीज रुक जाए, मत करें ये सब। आंटी को क्या कहूंगी? मैंने तुमसे कहा ना जाओ यहां से। प्लीज ऐसा मत करें, रुक जाए। प्लीज मेरी बात सुने। मैंने कहा ना मुझे मत समझाओ। मेरी बात सुने प्लीज। या अल्लाह।